प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करने जा रहे नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा है कि उनकी सरकार अब नई ऊंचाई के साथ है, नई ऊर्जा के साथ है, नए भारत के निर्माण के लिए नई यात्रा शुरू करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के नरविजित सांसदों से बिना भेदभाव के काम करने को कहा है। भाजपा नेता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेता चुने जाने के बाद करीब 75 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्प संख्याओं का भी विश्वास जीतने की जरूरत बताते हुए कहा है कि वोट बैंक की राजनीति में भरोसा रखने वालों ने अल्प संख्याओं को डर में जीने पर मजबूर कर दिया है। हमें इस छल को समाप्त करके सबको साथ लेकर चलना होगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मुसलमानों को लेकर फैसला कर रहे हैं। जी हाँ, मोदी ने कहा है कि 2014 में मैंने कहा था कि मेरी सरकार इस देश के दलित, पीड़ित, शोषित आदिवासी को समाप्त करेगी। मैं आज फिर से कहना चाहता हूँ कि 5 साल उस मूलभूत बात से अपने आप को ओझल नहीं होने दिया। 2014 से 2019 हमने प्रमुख रूप से गरीबी के लिए चलाई है और आज मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि ये सरकार गरीबों ने बनाई है। गरीबों के साथ जो छल चल रहा था उस छल में हमने छेद किया और सीधा गरीब के पास पहुँचे। देश पर इस गरीबी का जो टैग लगा है उसे देश को मुक्त करना है। गरीबों के हक के लिए हमें जीना और जूझना है। हम अपना जीवन खापना चाहते हैं। गरीबों के साथ जैसा छल हुआ है वैसे ही छल देश की माइनॉरिटी के साथ हो रहा है। अच्छा होता कि माइनॉरिटी की शिक्षा, स्वास्थ्य की चिंता की जाती। 2019 में आपसे अपेक्षा करने आया हूँ कि हमें इस छल को भी छेद करना होगा। हमें विश्वास जिताना है और विश्वास जीतना भी है। यहाँ पर साफ तौर पर गरीबी को लेकर और अल्पसंख्याओं को लेकर, मुसलमानों को लेकर भी उन्होंने कहा है कि जो मुसलमान उनसे नफरत करते हैं वो ये वादा करते हैं कि इन 5 सालों में मुसलमान भी उनसे मोहब्बत करेंगे। SP9 न्यूज से नैन्सी की रिपोर्ट।